रिक्रूटमेंट आ गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। और बेल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। अब इसने रिक्रूटमेंट निकाला है पोस्ट ऑफ प्रोफेशनली इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और प्रोफेशनली अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, और प्रोफेशनली ऑफिसर है। MBA अगर आपने किया आप फ्रेशर है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख इन्होंने रखी है, 28 अक्टूबर। अभी सारी वैकेंसियों का डिटेल, क्या सैलरी है, सारा कुछ बताएंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी इन्होंने निकाला है, इसमें 15 अक्टूबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है। उसी तरह प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी निकाली है, उसमें 14 अक्टूबर रखी है। अब आप देख लीजिए जो प्रोफेशनरी इंजीनियर, प्रोफेशनरी अकाउंट ऑफिसर और प्रोफेशनरी ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसका जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है वो क्या है। अब देख लीजिए प्रोफेशनरी इंजीनियर 205 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, 40,000 से लेके 1,40,000 तक का वेतनमान है। एज जो है 25 साल से कम ना हो, ठीक है। और प्रोफेशनरी ऑफिसर HR के लिए इन्होंने जो निकाला है वो भी 25 साल मांगी है एज, ठीक है। प्रोफेशनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए इन्होंने 30 साल रखी है। अब जो इनका पैकेज जा रहा है CTC वो 12 लाख से 12.5 लाख पर एनम जा रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए आप इनका क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेशनरी इंजीनियर के लिए इन्होंने BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। वहीं प्रोफेशनरी इंजीनियर E2 में 63 जो वैकेंसी है उसमें BE, BTEC, BSc इंजीनियर मैकेनिकल में मांगे हैं। प्रोफेशनरी इंजीनियर E2 में 18 वैकेंसी है, उसमें कंप्यूटर साइंस में इन्होंने मांगा है। वहीं HR के लिए इन्होंने MBA, MSW या PG, अगर आपने MBA किया है 2 साल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 वैकेंसी इन्होंने MBA वालों की निकाली है। वहीं प्रोफेशनरी अकाउंट ऑफिसर की 15 वैकेंसी निकाली है, उसमें CA और CMA वालों के लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल के लिए 96 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 62 हैं, SC के लिए 34 हैं, ST के लिए 17 हैं, EWS के लिए 23 हैं। टोटल 232 वैकेंसी हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सब देख लीजिएगा, डिस्कशन में लिंक डाल दिया है, पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। एज क्रिटेरिया की बात करें तो जनरल और OBC के लिए उन्होंने 25 साल रखी है प्रोफेशनरी इंजीनियर और प्रोफेशनरी ऑफिसर के लिए। वहीं पर 5 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है SC ST को और 3 साल का OBC को। तो ये पूरा इनका है, बेल का रिक्रूटमेंट है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। आप अगर एज ए फ्रेशर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन अवसर है आपके लिए। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 28 तारीख है, इसमें 28 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है। SC ST के लिए फीस, कोई फीस नहीं है, ठीक है। वहीं जनरल EWS और OBC के लिए इन्होंने 1180 रुपये अप्लीकेशन फीस रखी है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए निःशुल्क है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली सॉर्टेड बाय द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आपका CVT एग्जाम होगा, CVT एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। तो ये पूरा है, कैसे अप्लाई करें ये पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब इनकी